हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, या फिर हम इसे अचार भी बोल सकते हैं। रोटी हो या चावल हो, किसी के भी साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रिज में हम इसे स्टोर करके आराम से साल भर रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पहले हम मसाले के लिए ले गए हैं जीरा 2 बड़े चम्मच, अभी पंचफोरन ले जाएंगे 2 बड़े चम्मच, इसका खुशबू इसमें बहुत अच्छा आता है। सूखी मिर्च ले जाएंगे 3 से 4, या फिर आप अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं कम ज़्यादा। अभी सूखी कढ़ाई में हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा ही भूनना है ताकि हम अच्छे से इसे ग्राइंड कर सकें। इसका भून जाने के बाद ये बहुत अच्छा स्मेल आता है। 1 या 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे दरदरा, इसे फाइन पेस्ट नहीं करना है। अभी हम 1 किलो कच्चे आम को ऐसे ग्रेट कर देंगे। देखिए, ग्रेट करने के बाद हम गैस में कढ़ाई चढ़ा के सरसों का तेल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, इसे अच्छा गरम होने देंगे धुआं निकलने तक। गरम होने के बाद हम उसमें डाल देंगे सौंफ 1 चम्मच। वो चटक जाने के बाद सारे ग्रेट किए हुए जो आम हम रखे हैं उसमें डाल देंगे। ग्रेट हम फ्लेम को मीडियम में ही रखे हैं। सारे आम को डाल देंगे। ये जो चटनी होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, खराब नहीं होता, कोई कलर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसमें चीनी डालेंगे। ये बहुत हेल्दी तरीके से हम बनाएंगे। रोटी चावल किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सारे आम को हम डाल दिए हैं कढ़ाई में, थोड़ा मिला लेंगे तेल के साथ चारों तरफ से। मिला लेने के बाद हम ऊपर डाल देंगे जो मसाला हम रखे थे ग्राइंड करके, पहले उसे डाल देंगे। उसके ऊपर डाल देंगे चिली पाउडर, अच्छा कलर आने के लिए भी और तीखा के लिए भी। हल्दी डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के हिसाब से। इसे मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखे हैं, इसे हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। चारों तरफ से अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें गुड़ डाल देंगे 250 ग्राम का। ये मेरा पानी वाला गुड़ है, आप ठेले वाले गुड़ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मिला लेंगे। इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और ये बनाने में बहुत आसान होता है, कोई भी इसे बना सकते हैं। बस मेजरमेंट का ही ख्याल रखना है। 1 किलो आम के लिए मैं जितना मसाला चाहिए उतना लगाई हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अभी हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। ये बन जाने के बाद एकदम से गाढ़ा हो जाएगा।
इसे मैं हाई फ्लेम में ही इसे रखी हूँ 10 मिनट तक। अभी देखिए 10 मिनट के बाद ये ऐसी कंसिस्टेंसी हो गया है, करछी से ये नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब हमारा जो चटनी है ये बन के रेडी हो गया है। देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसे मेरी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा। अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आए। थैंक यू।